अच्छे लगते हैं ये घर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आओ बातें करें, क्योंकि क्वारंटीन है और क्वारंटीन में मैं इतना मेकअप करके बैठी हूँ क्योंकि हमारे साथ एक मेकअप आर्टिस्ट है, मैं उनके मुकाबले में नहीं करके बैठी। अच्छा, ये मेरी सहेली है। कैसी हैं आप जनरल? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। कैसा जा रहा है आपका क्वारंटीन? बस हो गया, इट्स गेटिंग सिकनिंग नाउ। हाउ मेनी डेज, आप कितने दिनों से घर पे? घर पे तो मैं नहीं हूँ, लेकिन 2-2.5 महीने हो रहे हैं लॉकडाउन और कोरोना सिचुएशन को। हमें मुझे पूरे 80 डेज हो गए घर पे। 80 डेज एट होम, या और मैं बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकली क्योंकि मैं तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती अपने बच्चों के लिए। और हस्बैंड, यहाँ पे पहले इतना स्प्रेड नहीं था, आई एम फ्रॉम फैसलाबाद, तो अब तो बहुत रिस्की हो गया। एवरी सेकंड पर्सन वी नो इज कोरोना पॉजिटिव। बट एकदम देखा, पहले नहीं ना कर रहे थे सारे, ये यही बोल रहे थे कोई कोरोना नहीं, फलाना नहीं है, अब कौन सा संभल नहीं है। अभी भी ऐसे ही है, अब तो ठीक हो गया ना, कि कितना वेट। आई थिंक ये अपना एक कोर्स पूरा करेगा और जैसे वो जो पेंडेमिक हुआ था ना फ्लू वाला, ये वही कोर्स करेगा। या तो अन्ना मियां जल्दी से ये वायरस म्यूटेट कर जाए तो साड़ी जान छड़ दे। हाँ, बिल्कुल, जन्नत की तो आवाजें निकल रही, आमीन आमीन वाली। जन्नत नहीं, वो रहे ना रहे, जो होना है वो तो होना है। हाँ ये तो है। खैर, बट फिर आप ये बताएं कि आपने मेकअप कब सीखा? मैंने मेकअप पैदा होने के बाद सीखना शुरू कर दिया था। हाँ ये मैं इसमें की तो मैं भी गारंटी दे सकती हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है। जन्नत बहुत छोटी थी और उनकी मम्मा जो है उनको पूरा तैयार करके एक शादी पे लेके आई थी, हमारे कजन की शादी। वो अभी भी जन्नत तो याद है, वो एक शादी मैंने भी अटेंड की थी ना, इसलिए मुझे बता, इसलिए मुझे याद। तो मुझे अच्छी तरह जन्नत बड़ी दुल्हन बनी हुई थी और ऐसे तो तब से आपको शौक है? तब से शौक है, मुझे याद नहीं है। और सेल्फ-टॉट? सेल्फ-टॉट, सेल्फ-टॉट, कंप्लीटली सेल्फ-टॉट। आई डोंट नो, अभी भी कुछ नहीं, मतलब ऐसे कोई सर्टिफिकेशन या कुछ ऐसे? अभी आई हैड टू टेक वन क्लास जस्ट बिकॉज़ आई हैड टू गेट दैट सर्टिफिकेट फॉर माय क्लाइंट्स, क्योंकि काफी लोगों की रिक्वायरमेंट थी, इफ यू आर नॉट सर्टिफाइड देन वी आर नॉट गोइंग टू बुक यू। They don't focus on the skill, they focus on the certification and documents and all. So for them, I had to go for it. Aur usi ke liye kyunki sorry. Maine kaha acha kiya ye le liya, ek aapka I think ek satisfaction khud ko bhi ho jati hai, jaise aap degree karte ho, degree mein to koi log hote hain jo matlab zaruri nahi hai ki humne jo degree ki hai usme hum bade alim fazil ho, lekin chalo ek hai ki chalo degree to, agar usme kuch naya nahi tha, I knew it all. हाँ सही बात है, बट ये है कि नाउ आई वांट टू, मगर वो आउट ऑफ सिटी वाला सिचुएशन है तो वो थोड़ा है उसमें प्रॉब्लम। जब वो सॉर्ट आउट हो जाएगा तो फिर वो भी हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह। मेनू तो समझ ही नहीं आती, वीडियो सेल्फ टॉट कैसे कर लिया आपने? सेल्फ टॉट ये एक कला है। हाँ आई फील दैट इज, है ना, मैं नहीं सीख सकती वीडियो से। अच्छा, मैं बहुत क्रिएटिव हूँ हमेशा से, आर्ट्स में भी, मेकअप इज एन आर्ट, बट मैं फाइन आर्ट्स में, ड्राइंग में और मेरी उस तरह की हैंडमेड चीजें, फ्लावर्स, फैब्रिक फ्लावर्स और वो सारी चीजें, पेंटिंग करना, मैं काफी चीजें DIYs में खुद से बना के और वो गिफ्ट भी कर रही होती थी। शू बॉक्स का आई मेड, टिश्यू बॉक्स नहीं, शू बॉक्स। आई यूज टू मेक थिंग्स आउट ऑफ स्क्रैच हमेशा से, मुझे बहुत शौक था। और मजे की बात यह है कि सपोर्टिव फैमिली, माँ ने जैसे दुल्हन बना के ले जाती थी लोगों की शादी पे, आई यूज्ड टू बी 4-5 years old, तो वो आजकल मदर्स को होता है कि नहीं हाइजीन फ्रेंडली नहीं है, मेकअप बच्चे ना लगाए, ऐसे है वैसे है, तो हमने सब कुछ किया है। आई लाइनर नहीं होता था तो बहुत इश्यू हो जाता था। और मेरी फेवरेट मेमोरी ऑफ माई सेल्फ इज, जब मेरा प्री नर्सरी में एडमिशन हुआ था तो मेरी टीचर पता नहीं कौन थी, कहाँ होंगी अब नहीं पता, मगर वो लिपस्टिक नहीं लगाती थी और मैं रोज जाती थी स्कूल रोते हुए,
बच्चे तो रोते हुए जाते ही हैं, और मैं आती भी टाइम ऑफ टाइम से पहले घर आ जाती थी, रोती थी, मेरे घर कॉल जाती थी कि शी इज क्राइंग तो टेक हर होम। क्यों? एक दिन मेरे से पूछा, चार एक दिन हो गए कि बच्चे तुम्हें मसला क्या है, कोई तो तुम्हें कुछ कहता नहीं है, सारे टॉयज लेके आगे पीछे हो रहे होते हैं, फिर भी ये बच्ची रोना नहीं बंद करती। मैं रोती इसलिए थी क्योंकि मेरी टीचर लिपस्टिक नहीं लगाती। गुड वन। तो फिर मैं स्कूल आऊंगी, आई मेड श्योर कि वो लिपस्टिक लगाए। हाँ। और फिर मैं स्कूल गई, और फिर मैं बड़ा हंसी खेलती जाती थी और सेट रही थी उसके बाद। तब आप समझ सकते हैं कि मैं इतना मेकअप और बंटन की क्यों आई हूँ, नहीं तो जिन्ने ने मैंने इंटरव्यू नहीं देना सी, क्योंकि आप मुझसे कॉन्वर्सेशन करनी थी। बिल्कुल। फिर सेल्फ टॉट, मतलब हाउ डिड यू कम अप विद दिस थिंग के एक मेकअप आर्टिस्ट? ओके, सिंस यू नो योर खाला, उनसे भी सुना होगा, मेरे घर कोई आ जाए, मेरी खाला आ जाए, मेरी चाची आ जाए, दूर दराज की कोई आंटी आ जाए, मैं उनका बैठ के फेशियल करती थी। एक लोशन होता था, कोई सा भी लोशन हो जाए तो वो बैठ के मैं उनका मसाज कर रही हूँ, और मुंह का मसाज कर रही हूँ, यानी मैनी पैडी नहीं हो रहा था, सिर्फ मुंह पर फोकस मेरा हमेशा से रहा है। आई यूज टू मेक ब्रेड्स एंड ऑल, तो वो फेशियल करते 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 फिर जब ये ब्रशेस आ गए हाथ में, तो फिर अब जो कजन आती थी, अब वो आंटियों के मुंह पे भी मेकअप कुछ टाइम तो किया, बट उसके बाद ऐसे हो गया कि बस आई नीड न्यू फेसेस। अब कजन आती थी तो उनका भी मेकअप होने लग जाता था, और उनका मेकअप, तब मेरी कोई कलेक्शन नहीं थी मेकअप, वो एक ग्लफन लेके दिया हुआ था, एक बॉडी शॉप की जीरो बेस होती थी आज से 10-12 साल पहले, वो मेरा मेकअप होता था, और एक ऐसा ही लिपस्टिक का भी शेड होता था। Where I used to do makeup on people with those. अच्छा। Very small makeup kit of mine. वो कर कर आके फिर एक time आया कि मुझे लगा कि अब क्या करूं? Gap year लिया था college में। उसके बाद बहुत down down down. Gap year क्यों लिया था? क्योंकि मुझे पंजाब college में ही भेजना था मेरी family ने, और कहीं नहीं भेजना था, और मैं कहती थी मुझसे BA करवा लो, मैं नहीं, बीकॉम नहीं होगा मुझसे, मैं आई वॉज नेवर फॉन्ड ऑफ स्टडिंग, एवरेज स्टूडेंट थी, तो मुझे ज्यादा वो नहीं था कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, पढ़ाई की तरफ नहीं था, आर्टिस्टिक बंदा था, कहाँ उसको कॉमर्स में और मेडिकल में भी जाके समझ भी नहीं आती थी, ऊपर से ही जाता था सारा कुछ। मगर खैर वो गैप और जिद में लिया था कि ये लोग मुझे वो मैं कहा शायद एक साल रुकती हूँ, जिंदगी कुछ आगे बढ़ेगी, शायद इन लोग को समझ आ जाएगी। खैर वहीं का वहीं हम फंसे रहे, फिर हमने बीकॉम में एडमिशन लिया, फिर उसके बाद नहीं बीकॉम में एडमिशन, हाँ एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर हो गया, फर्स्ट ईयर में एक सप्ली आई, फिर सेकंड ईयर स्टार्ट हो गया, फिर सेकंड ईयर में एक और सप्ली आ गई, फिर मैं कहा बस बहुत हो गया, अब और नहीं, अब मुझे और नहीं करना। फिर उसके बाद मैंने कहा अब फिर करना क्या है, घर तो नहीं बैठना, यू हैव टू डू समथिंग, और इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, इंटर किया हुआ है तो जॉब कौन देगा तब तक। आजकल तो स्कूल्स है ना, फर्स्ट स्टेप्स हो गया, दूसरे तीसरे स्कूल्स हैं, कुछ नए खुले, तो दे आर टेकिंग इंटरमीडिएट्स एज टीचर्स, कोऑर्डिनेटर्स भी ले रहे हैं और इस तरह से। मगर मुझे ये भी एक और मसला मेरा था कि मुझे कभी टीचिंग नहीं करनी थी, कभी भी नहीं, मर जाऊंगी टीचर नहीं बनूंगी, टीचर का एक वो बना होता है ना। खैर उसके बाद फिर आई वेंट टू दिस फैशन डिजाइनिंग स्कूल, वो भी टाइम पास के लिए, आई हैड टू डू अ डिप्लोमा के और टाइम गुजरेगा फिर तब तक समझ आएगी मैंने और क्या करना है। वहां पे जाके फिर मुझे समझ आई कि मेकअप कर लेती हूँ, परसों ना पढ़ना लिखना पड़ेगा, और आता भी है थोड़ा बहुत, शौक भी है, और बाकी का यूट्यूब लगा के कर लूंगी। इट वॉज 2nd February, आई गेस इट वॉज 2017, या 16 or 17, तब मैंने घर में बात की, तो आई टोल्ड माय अब्बा के मेकअप करना है, प्रोफेशनली करना है, तो बताएं इजाजत, अब इसके लिए तो इजाजत चाहिए ना, ये काम तो ऐसे नहीं हो सकता। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोल रही? नहीं बिल्कुल नहीं बोल रही। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, तो करनी है, कोई काम आओ बातें करें, आओ बातें करें। हाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि ये भी कोई काम है करने का। तब वो टाइम था आज से 4-5 साल पहले, व्हेन यू गो बैक, तो पार्लर्स में बहुत अच्छा रिकग्निशन नहीं थी इस चीज में, 4-5 years तो कुछ कम हो गया, और जरा पीछे चले जाओ तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब कोई शादी पे आप देख लो, मतलब हमारे यहाँ मैं उसी बात पे आने लगी थी कि मतलब अब तो बहुत अवेयरनेस है, अब बच्चे बहुत मेकअप करते हैं, और हर कोई मेकअप करता है,
मैं अपनी बात करूँ तो जब मेरी शादी हुई थी तो आई हैड टू लिपस्टिक्स एंड वन आई लाइनर जो मुझे लगाना नहीं आता था. मेरे मियाँ को वो यहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ से गए थे, तो उन्होंने कहा ये तुम्हें यूं विंग वाला लाइनर नहीं लगाना आता. मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ भी नहीं आता. तो उन्होंने मुझे कड़ा करके विंग लाइनर लगाया जब हमारी अच्छे की दावत थी. तो पुट लाइनर ऑन मी एंड देन यहाँ आई तो फिर मैंने देखा यहाँ तो लड़कियां बहुत तैयार होती है, हमारे तो पाकिस्तान में तैयार ही नहीं होता. तो फिर उसके बाद लगा जी ऐसा मेकअप भी होता है. तो आई थिंक अब तो अवेयरनेस है और अब हो भी रहा है. तो अब्बा को फिर कैसे मनाया, एंड स्पेशली कमिंग फ्रॉम आवर फैमिलीज इट वाज समथिंग वेरी डिफरेंट अप्रोच. आई नो. अच्छा इस सब में मेरा प्रॉब्लम क्या था, आई यूज्ड टू बी अ टॉम बॉय, आई यूज्ड टू प्ले विद गाइस ऑल द टाइम. और ये मेकअप कहां से आया मुझे नहीं पता. नहीं वो एक था ना कीड़ा शुरू से, दुल्हन तो बन के जाती, वो मेकअप का कीड़ा था. और लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रही हूँ, पतंगे उड़ा रही हूँ, बाइक चला रही हूँ, मेरी ये हरकतें थी. तो मेकअप का कोई इसका कनेक्शन बनता नहीं है, मगर मेरे अंदर वो कीड़ा था शायद इस वजह से उसने बनाया. तो लड़कियों के अंदर ये एक चीज होती है, अगर मैं भी अपने आप को देखूं तो अगर पुरानी चीजें देखो तो हमेशा बड़ी स्ट्रांग और इस तरह से रहे, क्योंकि हम लोगों को तो भाई इजाजतें भी नहीं थी मेकअप वोकअप करने की. लेकिन अब बड़ा दिल करता है, अब तो बड़ा कोई भी ग्रोसरी करने जा रहे हो तो मेरे मियाँ कहते तुम इतना तैयार हो जाओगी. मैंने कहा तो और क्या, फिर क्या बात हो गई, कीड़ा उजागर हो गया, अब्बा से मनाने चले गए. हाँ अब्बा से बात की और बड़ा, मेरा हमेशा से ये रहा है कि जब भी मैं वल्नरेबल होती हूँ ना तो मैं थोड़ी इमोशनल होके बात करती हूँ. जब मेरी कोई उस तरह की मैंने मनवानी है या कोई ऐसी बात है, वो बड़ा आंसू बहते रहे. और अब्बू को प्रेजेंट किए अपनी प्रेजेंटेशन सारा कुछ करने के बाद, अब्बू को तो उस टाइम नहीं समझ आई. तो फिर भाई बैठे हुए थे, उन्होंने कहा नहीं तुम्हारे बेस क्या है, क्या सोचा हुआ है, क्या करना क्या है, हमें बताओ. फिर उन लोग को बताया, उन लोग को एक्सप्लेन किया कि होम बेस्ड होगा, जो होगा घर में होगा तो कैसे मैनेज करोगी, तुमसे कैसे अपॉइंटमेंट लेंगे, मतलब फेसबुक का पेज बनाएंगे. तो यही था दैट यू वांट टू टीच एज वेल, यस करोगी. नहीं टीचिंग के बाद में. अच्छा ये के करूंगी मैं मेकअप से, मेकअप प्रोफेशनली करूंगी और लोगों का करूंगी. हाँ और माय सिस्टर वाज द वन टेलिंग मी तुम क्या समझती हो खुद को, ऐसे ही कोई आएगा उसका मुंह पे मेकअप करोगे और वो सही भी हो जाएगा और फिर वो सेटिस्फाई होके चला भी जाएगा, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या चीज हो. ऐसे मेरा कॉन्फिडेंस ऐसे वो कहते हैं ना जलील करना, तो वो बहुत दलालत कराई है मैंने. फिर भाइयों को फिर एक्सप्लेन किया और उन्होंने फिर अब्बू से बात की, फिर अब्बू को बताया कि शी इज नॉट गोइंग एनीवेयर, कहीं जॉब नहीं कर रही है या इस तरह का कोई सीन नहीं है, जो आएगा घर में आएगा. और मसला के जो आएगा वो सही बंदा होगा नहीं होगा, रैंडम होगा. ये भी तो बड़ा मसला होगा. एंड आई हैव बीन सो लकी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सो लकी, कभी ऐसा कोई चक्कर रहा ही नहीं. फिर खैर इन लोग को सबको एक्सप्लेन कर करके उसके बाद फिर इन लोग ने अबू को कन्विंस किया कि अबू करना चाह रही है, एक दफा उसको देखने तो देना, देखते हैं क्या करती है क्या नहीं करती है. अच्छा मेरा ये हमेशा से था कि मैं कुछ भी करती थी ना तो वो ऐसे नहीं होता था कि बस ऐसा तैसा हो गया. 100% देती थी और थैंक्स टू गॉड ऑलवेज मेरा हमेशा काम अच्छा ही बना है जिसमें मैंने एफर्ट डाली. सो डिटरमिन्ड ना भी होता, कभी तुक्का आपका होता है, कभी आप फेल भी हो जाते हो, कभी कुछ काम खराब भी हो जाता है, मगर वैसा कभी केस रहा ही नहीं. अभी मेरे पास था रिवर्सिबल ऑप्शन, अबू ने दिया कि अच्छा चलो देखते हैं. फर्स्ट फेब को ये बात हुई, सेकंड फेब को डिनर टेबल पे बैठे हुए थे, मेरा तो खाना पीना छूटा हुआ था, जान फंसी भी थी कि क्या बनेगा क्या बोलेंगे, जैसे बस रिजल्ट आने वाला. पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा वो इफेक्ट भी कर रहा था, उनकी परमिशन बहुत इफेक्ट कर रही थी कि अब मैं करूंगी क्या, आगे कुछ और नजर नहीं आ रहा था शायद इसमें. और मेकअप करके मुझे हमेशा ना थेरेप्यूटिक लगा है मेकअप. कभी भी डाउन हूँ लो हूँ, म्यूजिक तो सुनना चलो अलग बात हो गई, बट मैं ब्रशेज लेके बैठ जाती थी, आई यूज टू ट्राई ऑन डिफरेंट लुक्स. तो वो इस वजह से भी शायद यहाँ पे स्टक थी कि यही करना है. फिर वन फाइन डे सेकेंड फेब 2016 प्रोबेबली बैठे हुए टेबल पे अबू ने कहा वो बन गया पेज जो कह रही थी, वो क्या बनाना था बन गया.
मैं उनकी शक्ल देखूं फिर इधर भाइयों की शक्ल देखूं, क्या बात हो रही है, कर लो शुरू कल से, कर लो वाकई। फिर आंसू नहरे महने लग गई। खैर उसके बाद वहीं पे बैठे बैठे खाना खाया, अभी बर्तन भी वहीं पे ही है सबके, और चलो जी बनाते हैं पेज बनाते हैं पेज बनाते हैं पेज बनाया, रातों रात पेज बना। सेकेंड डे सेकेंड फेब को ये हुआ, फोर्थ फेब को जो है मेरी पहली अपॉइंटमेंट आ गई, विच वॉज एन एंगेजमेंट ब्राइड। पहला ही छक्का एंगेजमेंट ब्राइड का लग गया। अच्छा उसके बाद उसने काफी डिस्काउंट कराया, मेरा भी पहला क्लाइंट था, मुंह में पानी भी बहुत आ रहा था। वो जो मैंने रेट था इट वाज आई गेस 2500 एंगेजमेंट ब्राइड, मेकअप हेयर एंड दुपट्टा एंड एवरीथिंग। खैर उस टाइम ये था कि क्लाइंट चाहिए, शुरू किया है, पहला अगर एक स्टार्टअप मिल रहा है तो व्हाई नॉट। हां बिल्कुल, या खैर शी वाज अल्हम्दुलिल्लाह शी वाज वेरी सैटिस्फाइड, अभी भी टच में है तो शी प्रेजेस एंड शी एक्नॉलेज्ड एवरीथिंग। तो वहां से इट स्टार्टेड, और उसके मेरा ख्याल है 6 महीने बाद सम गर्ल आस्क्ड मी के यू गिव क्लासेस, नहीं अभी तो नहीं, मैंने तो इग्नोर कर दिया बिल्कुल, घर वालों को बताया, एक लड़की कह रही थी क्लासेस देती हूँ, मैं कहा मैं तो नहीं देती, मैं तो सिर्फ क्लाइंट्स लेती हूँ, करके मैंने केयरलेसनेस के साथ बात खत्म कर दी। मम्मी ने कहा तो अगर वो कह रही है तो तुम क्यों नहीं, मम्मी मैं क्या सिखाऊंगी, मुझे थोड़ी ना आता है मेकअप, सिखाना कैसे होता है, क्लासेस कैसे होती है, क्या होता है क्या नहीं होता। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम खोला और सर्फिंग की, और कुछ लोग थे जो क्लासेस दे रहे थे, फिर उनसे डिटेल्स ली। ऐसा बाद में एक है सिग्नेचर बाय इरम, इरम आंटी इज द ओनर, और उनके साथ हमेशा से मैं उसी सैलून में जाती थी, तो उनके साथ हेलो हाय अच्छी है। वन फाइन डे आई कॉल हर अप, मैं कहा आई एम स्टार्टिंग माय ओन होम बेस्ड स्टूडियो, तो आप मुझे थोड़ा सा गाइड करें, कुछ आती ना करती, उनका अपना सेटअप था, वो कहती मैं क्यों, बट शी डेड बड़ा अच्छा गाइड किया, इस तरह से करोगी, बेस ऐसे करके बनाना, वो प्रैक्टिकल क्लास नहीं थी बट फोन कॉल पे उन्होंने मुझे सारा समझाया। देन आई स्टार्टेड मेकिंग नोट्स के क्लासेस में कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे बताना है, क्या करना है। खैर फ्रॉम देयर इट स्टार्टेड और इट्स गोइंग गुड अभी तक। गुड अल्हम्दुलिल्लाह, ओह माय गॉड इट्स सच एन इंस्पिरेशन, यू नो। सो आई वाज सेइंग कि जब आप को कोई जानता होता है ना पहले से, और जब आपको किसी एक जगह पे जहाँ पे आप जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपकी एक सक्सेस स्टोरी बनती चली जाती है, तो यू फील गुड, यू नो। और जैसे आप बात की ना वो इरम आंटी की, उन्होंने आपको हेल्प की, आई फील कि ऐसी ऐसी विमेन जो होती हैं, ऐसी जो औरतें होती हैं, वही आगे जाके सक्सेस को सही तरीके से इंजॉय कर सकती हैं, जिन्होंने अपनी जर्नी में भी किसी को हेल्प की। Exactly. I feel that this is a very good gesture from him, from her. Positive one. A positive वाली बात है ना, positive aspect है, positive step है एक. कितना support मिला family से? Total support. Total support. कोई issue ही नहीं, कभी भी नहीं. Lunches हो रहे हैं, dinners हो रहे हैं, you know the family we are from. Yeah. रोज ही कुछ चल रहा होता है. डाइन आउट करना है तो, किसी के घर में कुछ इनविटेशन है तो, शादी पे जाना है तो, इफ आई हैव अ क्लाइंट आई कैन मूव आउट, मुझे घर पहुंचना है, मेरी अपॉइंटमेंट है। शुगर लगता था कि हाँ मनी इज कमिंग शी इज गोइंग, वो वाली हरकतें, बट मेरी जब कमिटमेंट है, एक तो आई नो कि जब आप प्रोफेशनली कर रहे होते हैं यू हैव टू बी देयर, वी ऑल नो दैट। Yeah. और उसमें फिर फैमिली कर सकती है कि बोल दो उसको आज नहीं आ सकती, फ्रेंड्स के साथ कहीं जाना है तो उनको ये है कि यार इसे हमारा कोई इस तरह का तो नहीं है, एक पैशन आप कंटिन्यू कर रहे हो विच इज लाइक अ करियर आपने बना, बट हमेशा से ऐसे था कि मैंने एक करियर वुमन बनना है, लाइक आई वांट टू बी समवन जिसके पास करियर हो। मुझे कुछ प्रोडक्टिव करना था, मुझे टिपिकल हाउसवाइफ टू सम एक्सटेंट बनना भी है, क्योंकि हाउसवाइफ ही आगे जाके हो जाता है ना, आप सिंगल तो नहीं रहते ऑब्वियसली, तो मुझे कुछ हद तक घर देखना है और उसके बाद मेरे पास कुछ अपनी एक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि rather than going to kitties and tea parties and all, I agree, I was coming to that, like you want, आपको अपनी आइडेंटिटी, एक शनाख्त चाहिए।
बिल्कुल एक है ना, क्योंकि मेरे अंदर भी ये चीज है कि मुझे सिर्फ ये नहीं है कि ओके मैं उनकी बीवी हूँ, अगेन मैं इनकी बेटी हूँ, इनकी बीवी हूँ, हाँ इनकी बेटी हूँ, इनकी माँ हूँ, ये नहीं। मैंने उसका एक बहुत ही अक्लेम्ड हमारी है उनके लिए मैंने एक इंटरव्यू लिखा था शाहरुख खान की बीवी के लिए। तो मैंने जो पहला सवाल उनसे किया था ना, मैंने उनसे यही पूछा था कि आपके अंदर क्या ये जुस्तजू थी कि आपको बस वो, तो उन्होंने मुझे कहा मुझे सिर्फ शाहरुख की बीवी नहीं कहलाना था अपने आप को, कि मैं सिर्फ ये नहीं था मुझे कि मैं बस हाँ ये शाहरुख की बीवी बन के रह जाऊँ, नहीं मुझे ये नहीं कहना था, मुझे चाहिए था कि मैं, मुझे अपनी भी कोई शनाख्त चाहिए थी। और इतने बड़े नाम के साथ अगर आप जुड़े हो हमारे, तो चलो नहीं हमारे भी मियाँ के बहुत बड़े नाम है, लेकिन लेकिन फिर भी एक होता है ना, दब जाते हो ना इतनी बड़ी पर्सनालिटी के साथ आप। हाँ बिल्कुल। तो अच्छा, मुझे सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट नहीं था बनना, मेकअप का शौक था, आर्टिस्ट बनना मुझे नहीं पता था। मुझसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पूछा बड़े ओके क्या बनोगी, आर्टिस्ट बनना है। अब वो म्यूजिशियन भी था, वो एक्टर भी था, वो वीजे भी था, एमटीवी के जमाने थे, माहिरा खान, डीनो, अच्छा मैं सब कुछ था, देखा ही नहीं वीजे वूजे भी नहीं देखा। अच्छा मुझे तो वो भी बनना था, मैं आतिफ असलम के गाने भी गाती थी, तेरे बिन जब गाना आया था, मैं अपने स्टोर रूम में, जून जुलाई का टाइम था, वेकेशंस थी, और तब मैंने अपने घर वालों को कन्विंस करना था कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ और मैं ये गाना आपको गा के दिखाती हूँ, और मैं इसके बाद फिर मैं लाहौर जा रही हूँ अपनी रिकॉर्डिंग कराने, मैं सिंगर हूँ, मुझे एक लेबल चाहिए, पता है नहीं गिटार कैसे बजता है, क्या म्यूजिक कैसे डलेगा, लेकिन मुझे गाना आता है, मेरी बड़ी अच्छी आवाज है, ये मैं 12-13-14 साल की एज बता रही हूँ। इतनी गर्मी और पंखा बंद करके, ऑब्वियसली कोई रिकॉर्डिंग सिस्टम माइक कुछ नहीं था, फोन में रिकॉर्ड करना था, और वो 32:10 वाला टाइम था, पसीनो पसीन, लाइट ऑन में इसलिए नहीं करती थी क्योंकि वो उस कमरे में ट्यूबलाइट लगी होती थी, वो बड़ी करके बजती थी, वो भी बंद करती थी क्योंकि मेरा गाना खराब हो जाएगा। अच्छा हम साथ साथ आओ बातें करें करेंगे और साथ साथ हम सैंडविच बनाएंगे के लिए, तो इससे भी आप इंस्पिरेशन लें कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्वारंटीन में सब चलता है, अपने शौक पूरे करने से दूसरों के काम नहीं रुक जाते। बिल्कुल। ओह माय गॉड, कितनी गहरी बात कह रही आपने जन्नत, है ना, उलाला। इन शॉर्ट मुझे बनना था, कुछ बनना है, बनना है, बनना है, कुछ करना है, कुछ करना है, तो ये हो गया। अब चैन आ गया कि बन गई है कि अभी नहीं आया? अभी अभी as you know I got engaged few months back, तो अभी एक दफा वो सामने नजर आ रहा है, ये पहनना है, ये करना है, ऐसे तैयार होना है, वैसे करना है, अभी उसकी थोड़ी सी एक्साइटमेंट है। तो यहाँ पे एक तो लॉकडाउन आ गया, जिस वजह से अभी मेरा ये टाइम होता है मेकअप क्लासेस का बहुत ज्यादा होता है, समर वेकेशन होती है, तो लॉट ऑफ गर्ल्स वांट टू टेक दीस क्लासेस, बट ड्यू टू कोरोना हो नहीं पाया कुछ भी वैसा, तो मेरा बिल्कुल ही सिंस आई एम होम बेस्ड, तो रिस्की बहुत ज्यादा हो जाना था इफ आई लेट पीपल इन माय हाउस, क्योंकि आई हैव किड्स आल्सो एंड माय पेरेंट्स आल्सो, तो उनके लिए ये काफी रिस्की हो जाना था, जिस वजह से मेरा काम को भी ब्रेक लग गई और मुझे बहाना मिल गया कि मैं अपनी शादी की तैयारी कर लूं। तो आप ऑनलाइन देने का नहीं सोच रहे? ऑनलाइन का मैंने अभी कुछ दिन पहले ही सोचा है एंड आई हैव पोस्टेड अबाउट इट, पीपल आर इंक्वायरिंग अबाउट इट, तो वो होगा, ऑनलाइन भी होगा, मगर स्लो ही है अभी, कुछ मुंह मथा नहीं निकल। मैं भी एक सुबह उठती हूँ तो आई एम वेरी एनर्जेटिक एंड आई एम फीलिंग लाइक ओके लेट्स डू दिस, एंड एक सुबह आई एम लाइक व्हाटएवर, और शाम तक कोरोना की अपडेट सुन के यू आर डाउन, यू आर लाइक ओके डेड एंड राउंड। मैं अभी आज किसी ने स्टोरी लगाई कि व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर, तो मैंने अपने पर्दे की तस्वीर भेजी, मैंने इसको लिखा, मैंने कहा आई एम ग्रेटफुल फॉर दीस पर्दास क्योंकि मैं मोर सेफ हूं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। शुक्र है यार, वैसे वी हैव फूड ऑन आवर टेबल्स एंड शेल्टर। आई नो दीस थिंग्स मैटर अ लॉट, या इनको हम बहुत फॉर, आई फील ये हुआ ही इसीलिए हम बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे थे ना चीजों को। हाँ, लाइफ इजी हुई भी थी बहुत ही ज्यादा। एक मुझे बड़ा अच्छा सवाल आया था, हाँ
हमारी फैमिली बहुत दकियानुसी नहीं है, आप लोग ये मत समझिएगा, लेकिन हमारी फैमिली इतनी लिबरल भी नहीं है, मतलब लिबरल मेरा वो है कि बहुत यू खुली डुली. तो इंस्टाग्राम का जर्नी कैसे शुरू हुई? आई एम श्योर दैट वाज अ टफ वन. नहीं, इट वाजंट. अगेन वाओ, इट वाज इजी. यू नो व्हेन आई स्टार्टेड ना, तब इस तरह के सुनती थी, स्टेटमेंट्स आती थी मेरी तरफ के एकी कम या व्हाट इज शी अप टू, क्यों कर रही है, क्या कर रही है, किसी के मुंह पे मेकअप करना. ये बहुत सुना है, ओ मॉडलिंग कर रही हो. हाँ. मतलब कुछ लोगों को तो मैंने बोला कि आपको भी किसी एंगल से भी मॉडल लग रही है. मतलब वो मुझे आ हाँ, क्यों मॉडल्स को बदनाम कर रहे हो यार. मतलब मॉडलिंग कर रही हो. और मैंने भी सुना कि अब नेक्स्ट स्टेप होगा ये फिल्मों में जाएगी. मैंने फिर में सोचा अच्छा, व्हाई नॉट. कितनी साइन की है सिद्रा, सच सच बताओ. क्या कितनी साइन करनी है? ये नहीं बताऊंगी, ये अभी नहीं बताऊंगी. नहीं नहीं, जब मुझे अपना मेकअप आर्टिस्ट रख लेना प्लीज. मेरी मम्मा स्टाइलिस्ट, अम्मा ने मुझे ये बोला कि बेटा क्योंकि शुरू में देखो किसी को आई डोंट थिंक ब्लॉगिंग का मतलब आज भी किसी को बताए कि ब्लॉगिंग होती क्या है, लेकिन इंस्टाग्राम आई एम सॉरी इज नॉट ब्लॉगिंग. तो बट बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि हम जी ब्लॉगर हैं क्योंकि हमारे पास इंस्टाग्राम पेज है, हमारे पास कुछ फॉलोअर्स हैं. नहीं आई एम सॉरी, ये तो उस टाइम भी किसी को नहीं पता था. तो मेरी जर्नी तो इस हिसाब से थोड़ी सी मुश्किल रही है कि मुझे बहुत अपने आप को बचा के चलाना पड़ा और बचा के रहना पड़ा और मैंने बहुत टॉन्ट सुने. अच्छा, आपकी जर्नी पता है मेरे से डिफरेंट भी है. हाँ, आप लाइफस्टाइल पे कर रहे हो. आई एम स्टक टू मेकअप इस वजह से कि पिक्चर लगा देना इजीली और ये सब, वो इतना बिग डील नहीं था. हाँ, क्योंकि मेरे चार बहन भाई हैं हम लोग, और मैं बहुत बाद में, आई एम द यंगेस्ट, बहुत बाद में पैदा हुई. तो उन लोगों के साथ जो मेरा जनरेशन गैप है वो तो है ही है. तो कुछ मेरी फैमिली ने इस बात को भी समझा कि हमारी सोच और इसकी में थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है. मेरी फ्रेंड्स जो थी वो फर्स्ट बॉर्न थी एंड आई वॉज द लास्ट बॉर्न. उनको उनकी लाइफ बहुत ज्यादा सिंपल थी, वो रिस्पॉन्सिबल भी ज्यादा थे मुझसे. मैं छोटी थी, मुझे पैम्परिंग का हमेशा, आई हैव बीन स्पॉइल्ड बाय माय सिब्लिंग्स. तो इस तरह से बात क्या हो रही थी. इंस्टाग्राम पे पिक्चर. हाँ, तो मतलब वो अंडरस्टैंडिंग थी और मुझे डूज एंड डोंट्स का बताया हुआ था. इस मामले में आई वाज अ गुड गर्ल, आई हैव ऑलवेज बीन अ गुड गर्ल, कि मुझे रूल्स रेगुलेशंस जब बताए हुए लिमिट्स पता है, आई एम नॉट सपोज्ड टू क्रॉस देम. सही बात है. रोज रोज डीपी बदलने वाला भी एक जमाना था. कौन सा वाला? रोज रोज डीपी चेंज होती थी फेसबुक की, वो बचपना था. मैंने तो वो भी नहीं की. नहीं की क्योंकि मैं मॉडल कैसे बन गई फिर आप? शादी जी, मेरी मॉडल जर्नी जो है ना बस वो बहुत अच्छी है और बहुत मैं यूं ऐसे ताप नहीं सकती आपको, यू नो. अब चोरी ना कर ले. आप चोरी ना कर ले. उसमें हुआ ही था कि मेरी जब शादी हुई तो आई थिंक मेरी जो पहली तस्वीर इंस्टा फेसबुक पे लगी थी वो मेरे मियां के साथ हुई. हाँ, मुझे उस दिन मैं किसी से बात कर रही थी, मैं उनको यही कह रही थी कि हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, है, पता नहीं है का तो नहीं पता कि मैं थोड़ा सा उस सोसाइटी से थोड़ा बाहर रह रही हूँ तो. लेकिन ये कि कई जगहों पे वो नजर आता है, लेकिन हमारे टाइम पे तो वो बहुत ज्यादा था. वो ये था कि जब लड़की की शादी हो गई है ना तो सब वो जो मर्जी आपसे बात अप्रूवल है, उसको जो मर्जी उससे आपसे बात करे, माँ बाप से भी कोई जिस तरह की भी बात कर सकती है वो कर सकती है, जो उसका दिल करता है वो करती है, जो वो पहनना चाहती है वो पहनती है, क्योंकि उसकी शादी हो गई है. तो आई थिंक उसकी वजह से ना बच्चे बहुत सप्रेस हो जाते हैं और ज्यादा ख्वाब भी सजा लेते हैं शादी के, क्योंकि उसके बाद जिंदगी शुरू होगी. शुरू होगी और बेचारों को, और फिर जब शादी होती है तो वो इस मुगालते में शादी में एंटर होते हैं कि शादी के बाद सिर्फ यही है कि कपड़े पहनने, झूलने. नाउ आई लिव माय लाइफ. या
और ऐसा नहीं होता क्योंकि रिलेशनशिप तब आपकी लाइफ आपकी नहीं होती या नहीं वो बात नहीं है दूसरी बात ये कि रिलेशनशिप चलाना घर चलाना तब आपकी असल लाइफ जिंदगी शुरू हुई है यार इन अ वे दैट आप घर है आपने उसको देखना है आपके आपके साथ सिर्फ आप नहीं है आपके साथ एक बंदे की जिम्मेदारी जुड़ी है जैसे मर्दों के ऊपर औरतों की जिम्मेदारी है औरतों के ऊपर भी तो मर्द की जिम्मेदारी है ना देखिए मैं आधी रात में सैंडविच बनाती हूँ वेरी गुड तो ये मैं सीख रही हूँ सीख रही है ना आप शाबाश बिल्कुल तो these things matter I feel के तो मैंने वो भी नहीं किया तो मैं आपसे उस वाली जनरेशन से हूँ जिधर मैंने डीपियां नहीं चेंज की एंड आई थिंक मैं उसके बाद बहुत मैंने भी वो खच स्टेटसेस और ये सब लिखे हैं बट आई बिकेम मैच्योर वेरी अर्ली बिकॉज आई इमीडिएटली वेंट इनटू जॉब एंड ऑल एज लॉन्ग एज आई रिमेम्बर यू वर अ मैच्योर लेडी लाहौर से आए हैं हम इन्हें मिलने जा रहे हैं और कभी कभार हमें मुलाकात होती थी मगर वो बड़ा अच्छा टाइम होता था और फिर दिल होता था कि बैठे मिलके अच्छा द बेस्ट पार्ट अबाउट आवर सोसाइटी ठीक है कुछ वो होते हैं फ्लॉज भी होते हैं बट द वन थिंग आई अडोर इज फैमिली वैल्यूज हमारे लोगों में जो है आई ऑलवेज से दैट स्पेशली जाके मिलो या स्पेशली इन आवर फैमिली लाइक इन आवर एक्सटेंडेड फैमिली या द सर्कल The chiniotis, उनके अंदर ये बहुत अच्छी चीज है कि हमारी जो फैमिली वैल्यूज हैं जो हम अपनी बच्चियों को सिखाते हैं जो हमारी घर घर और तरीके हैं के वो बहुत अच्छे हैं तो वो क्योंकि मैंने भी अब जाके मिलो सर्व करो लड़के हो या लड़कियां हाँ और चीजें चलो ठीक है उनका थोड़ा सा कंजर्वेटिव और वो सारी चीजें जरूर होंगी मगर यहाँ पे जो फैमिली वैल्यूज को उन्होंने दिया है ना चेंजिंग नाउ व्हाट द कंजर्वेटिवनेस हाँ मैं आपसे पूछ रही थी कि अब क्या ये बात चेंज हो रही थोड़ी बहुत फर्क आया मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे में फर्क आया या मेरे घर वालों में आया क्योंकि मुझे जिस तरह से वो सपोर्ट कर सकते थे दे डिड देयर बेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट माय लाइफ यू कैन से इज के माय इन-लॉज टू बी आर आल्सो वेरी सपोर्टिव दे वांट मी टू कंटिन्यू व्हाटएवर आई एम डूइंग इनफैक्ट आई एम द वन हु इज लेजी मैं कह रही हूँ कि अच्छा ठीक है कर लेंगे देखेंगे क्लासेस भी ले लेंगे क्लाइंट भी ले लेंगे दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट्स वेरी और अगर आपको सपोर्ट सिस्टम अगर आपका हो ना देखो जिसने करना होता है वो कर तो लेता ही है लेकिन अगर सपोर्ट सिस्टम अच्छा हो तो अच्छा हम इंस्टाग्राम की बात करते हैं तो इंस्टाग्राम के बताओ इंस्टाग्राम मेरा मेरे जो लग रहा है 2 साल हुए हैं मेरी फ्रेंड आई हुई थी मेरे घर उसने बोला व्हाई डोंट यू स्टार्ट इंस्टा फेसबुक पे क्या है और फेसबुक पे मुझे इतने लाइक्स भी नहीं आते थे अभी तक मेरी आई गेस देयर आर 2500 फॉलोअर्स ऑन फेसबुक एंड 13K ऑन इंस्टा तो इंस्टाग्राम पे ही ज्यादा रिकॉग्निशन भी मिली है तो वन फाइन डे शी वाज एट माय प्लेस तो इंस्टा बनाओ यार हाँ बनाते हैं वो बैठी बैठी उसने इंस्टा बनाया और उससे ही ने बनाया मुझे तो मतलब इतना टेक्नोलॉजी और इतना ज्यादा वो नहीं है मेरे में शी मेड इट और उसके बाद फिर आई स्टार्टेड पोस्टिंग देयर वहां से शुरू हुआ एंड इट वाज नॉर्मल मगर ये जरूर हुआ था कि व्हेन आई स्टार्टेड ना कुछ मुझे घर वालों की कुछ दूर के लोगों की इस तरह का स्टेयर आता था कि ए कम कर दी है पर फिर उन्होंने ही मुझे बिजनेस भी दिया तो आई थिंक दिस इज सर्कल ऑफ लाइफ इट हैपेंस व्हेन पीपल टॉक अबाउट यू मुझे ऐसा लगता है जब मैंने शुरू किया था तो आई थिंक आई वाज वेरी वेरी वो पायनियर्स नहीं होते जिन्होंने बुनियाद रखी होती आई थिंक माय फैमिली में किसी ने इंस्टाग्राम या किसी ने कुछ ऐसा नहीं किया शुरू में मैंने जॉब भी की थी तो मुझे सबने बोला था वो भी बड़ी थी हो है और क्या जरूरत है और ये है और वो है और उसके बाद मैंने अब मेरी मम्मा बहुत परेशान होती थी वो बोलती थी कि बेटा लोग ऐसे बात करते हैं और ये वो तो मैंने कहा मम्मा जब मैं दीपिका पाडुकोन जैसे पैसे कमाऊंगी ना तो सारे बोलेंगे कि बहुत अच्छी है ये बहुत अच्छी है चंगा कितना हाँ मैंने कहा आप चिल मारे जब मेरे पास ये होगा ना करोड़ बैंक में आप छोड़े इन बातों को छोड़े
तो बट ये है कि हाँ बट यू फील के अब थोड़ी बहुत एक्सेप्टेंस है आपके इर्द गिर्द या अब तो है अब तो बहुत ज्यादा है हाँ अब तो कहीं भी चले जाओ तो पहले तो वैसे फैमिलीज में तो होता ही है ना कि आपका कजन दो बहने हो मिलके बैठे हो तो मेरा लाइनर देखते हैं लैशेस ठीक है ये है वो है मगर अब आप कहीं भी जाते हो तो पीपल नो यू और रिस्पेक्टफुली रिस्पेक्ट भी बनानी आपने खुद होती है मैं सारा हाँ सारा क्रेडिट मैं नहीं बोलती कि मैं बहुत अच्छी और मैं ये मैं वो बट आपको अपना काम के थ्रू यू हैव टू आई फील के एक प्रॉब्लम ये भी था कि हमारे जिस बैकग्राउंड से स्पेशली हम लोग आते हैं हमारा खानदान हमारा इतना अवेयर नहीं है इन चीजों के मामले में ये तो चीजें अब शुरू हुई हैं जब हम लोग ने शुरू किया तब बहुत इनिशियल डेज थे जैसे मेरे को ये बातें बहुत एलियन लगती हैं क्योंकि वो शुरू से बहुत इस माहौल में रहे हैं वो शुरू से उन्होंने ऐसे ही बंदे देखे हैं ऐसे ही लोग देखे हैं वो ऐसे ही लड़कियों के साथ उठना बैठना उनकी कलीग्स उनकी फ्रेंड्स ऐसा ही सब कुछ था तो उनके लिए दीज थिंग्स वेरी नॉर्मल और वो मुझे बोलते थे कि तुम क्यों इतना परेशान होते वो अभी भी जबकि मैं बहुत कॉन्शियस होके कोई पिक्चर लगानी होती है कोई बात लिखनी होती है मैं बहुत कॉन्शियस होके ढके छुपे अल्फाजों में इस तरह करके लिखती हूँ तो बट आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे यहाँ की भी चीजें बदल रही हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा चीजें बदल रही हैं जन्नत पहले तो आप मुझे बताएं कि कौन से मेकअप ब्रशेस ऐसे हैं जो एसेंशियल होते हैं एसेंशियल वाले ब्रशेस होते हैं दो ब्रशेस ले लो दो ब्रशेस मोर देन इनफ वन फॉर फेस अदर वन इज फॉर आईज अच्छा फाउंडेशन आप फिंगर से लगा लो स्पंज से लगा लो उसे को ब्रश से लगाना बहुत जरूरी नहीं है कवरेज का डिफरेंस आता है बट इट अप्लाइज वेरी वेल विद द फिंगर्स एज वेल ओके मुझे दिखाएंगी या ब्रश या फिंगर्स नहीं फाउंडेशन के लिए और आईज के लिए फाउंडेशन आईज के लिए फाउंडेशन आप इस तरह के ब्रश से अप्लाई कर सकते हो दिस इज अ फ्लैट फाउंडेशन ब्रश सही है ठीक है इससे भी अप्लाई कर सकते हो ये कबूकी ब्रश है इससे भी कर सकते हो अगर आपकी लिक्विड फाउंडेशन है वो इससे बहुत अच्छी ब्लेंड आउट होती है और अगर स्टिक्स हैं या बहुत थिक कंसिस्टेंसी की फाउंडेशन है तो वो इस तरह के ब्रश से हो जाएगी फाउंडेशन हो गई इसके बाद आप कॉम्पैक्ट लगाते हो वो आप कॉम्पैक्ट के अंदर एक स्पंज आता है उससे भी लगा सकते हो दिस इज पाउडर ब्रश कॉम्पैक्ट के लिए इससे भी लगा सकते हो ठीक है क्या आपके वो वाले ब्रशेस हो गए बेसिक जो दो ब्रशेस मैं आपको कह रही हूँ एक ये है एंगल्ड ब्रश है नहीं नहीं अच्छा फाउंडेशन गुजर गई okay. हो गया खत्म okay. ये है ब्लश ऑन ओके एंड कॉन्टोर टू इन वन वो जो ये एंगल करके है एंगल ब्रश है दिस इज स्टेडा ना तो इससे यू विल डू योर कॉन्टोर सर्कुलर मोशन में यहाँ तक आप कॉन्टोर लाओगे अपने आई के कॉर्नर और यहाँ तक ठीक है कॉन्टोर हो गया इसके बाद दिस एरिया इज फॉर योर ब्लश यू हैव टू स्माइल ये एप्पल्स आ जाते हैं और यहाँ पे कुछ लोग तो वो वाला नहीं करना ब्लश ऑन यहाँ पे आएगा और कॉन्टोर यहाँ तक आएगा सही है मैं तो इससे आप जॉ लाइन भी कॉन्टोर कर लोगे नोज भी कॉन्टोर कर लोगे अच्छा आई लव कॉन्टोरिंग इवन मेरा बोन स्ट्रक्चर मुंह का ऐसा है कि कॉन्टोरिंग हुई भी लगती है बट आई लव कॉन्टोरिंग आफ्टर दैट मुझे तो पता नहीं आती ही नहीं है जबकि मुझे काफी ज्यादा जरूरत है हर जगह एनीवेज हाँ थोड़ी सी करके देखो कैसी लगती है ये ना हो कि वो वजन तो बड़ी नहीं पड़े हुए ना लगे हाँ दूसरा ब्रश जो आई ब्रश है जो दो मैंने बेसिक ब्रशेस बताए एक वो था दूसरा ये है अच्छा ये राउंड ब्रश है फ्लफी सा है इससे आप अपनी क्रीज बनाओ क्रीज जरूर बनाया करो मैंने आपकी भी पिक्चर्स देखी हैं वीडियोस देखी हैं क्रीज नहीं बनाती हो क्रीज के लिए यू नीड अ वेरी सॉफ्ट ब्राउन कलर आई विल शो यू क्रीज क्या ये बेस है आंख का कॉन्टोर होता है ये जो एरिया है ना डेप्थ हाँ ये क्रीज होती है दिस इज अ कॉन्टोर ऑफ योर आई लाइक दिस इज अ कॉन्टोर ऑफ योर चीक ना दिस इज अ कॉन्टोर ऑफ योर आई यहाँ पे आप इस तरह का ब्राउन कलर लेके ये वाला बड़ा अच्छा शेड है ये आप फेस कॉन्टोर के लिए भी यूज कर सकते हो आई के लिए भी यू टेक दिस मच डस्ट ऑफ द एक्सेस
एंड कॉन्टोर योर आई लाइक सो, वाइपर मोशन है जैसे गाड़ी के शीशे पे होता है ना. ठीक है, अब थोड़ा सा और लगाती हूँ, शायद वीडियो में प्रोमिनेंट हो जाए. नहीं आ रहा है नजर, आ रहा है. अब दोनों आंखों का देखो, वैसे तो डीप है बट ये करने के बाद डेप्थ और ज्यादा आ गई है, स्ट्रक्चर आ गया. ओके ठीक है. ये स्टेप करने के बाद व्हाटएवर कलर यू वांट टू अप्लाई, व्हाटएवर मेकअप यू वांट टू डू, सिंपल आईलाइनर भी लगाना है ना, सिर्फ इतना सा कॉन्टोर करो. अभी मेरा मस्कारा तो लगा हुआ है, इसके बाद आप आईलाइनर लगाओ, या मेकअप इज कंप्लीट. तो और जो येलो कलर अभी लगाया वो तो फिंगर से भी लग जाएगा, उसके लिए यू डोंट नीड ब्रशेस. कॉन्टोर के लिए ना ये, एंड दिस हेल्प्स इन योर नोज कॉन्टोर एज वेल. अच्छा अच्छा, एक और बात कन्वे हो जाए मेरे थ्रू. हम बेटों को पढ़ाते हैं, बेटों को जॉब्स के लिए भी अगर वो करना चाहें उनको वो भी करने देते हैं. ACCA कर रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं. बेटियों के मामले में यही आता है, इसकी शादी करेंगे, पढ़ लिख जाएगी, उसके बाद ये नहीं कि ऐसे ही बस शादी करेंगे, पढ़ा लिखा के इसकी शादी करेंगे बस, इसका मियाँ जाने ये जाने, इसकी जिंदगी जाने. मैं ये बात मैं अपने घर में भी करती हूँ कि प्लीज बेटियों को भी कुछ ऐसा करियर ओरिएंटेड पढ़ाओ जी, मत करे जॉब, मत करे प्रैक्टिस, मगर कुछ उसके हाथ में हो. कभी उसका दिल करे, जरूरत तो चलो मजबूरी हो गई ना, कभी दिल करे अगर आपका कुछ करने पे, तो आपके पास एक डायरेक्शन हो वेयर टू गो, रादर देन डिप्रेस होके बैठ जाए, डिप्रेशन लेके बैठ जाए, हेल्पलेस हो जाए बिल्कुल, कि अब कहाँ जाना है, कोई डायरेक्शन ही नहीं है. तो ये शुरू से बच्चों के दिमागों में डालो, और बेटों को भी, इवन इफ यू आर फ्रॉम अ बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली, बेटों को भी कुछ ऐसी डिग्री उनके पास हो कि एट सर्टेन पॉइंट अगर कोई जॉब करनी पड़ जाए तो उनके हाथ में डिग्री जरूर हो. हाँ बिल्कुल. और मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं भी अपनी बात करूँ कि अभी तो मैं आई थिंक आई वॉज वेल ग्रूम्ड और थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी भी थी. You were God gifted at some point, I think so. And credit goes to your father as well. Yeah, मैं यही बात करूँ. उन्होंने जो रेस दी है ना, वो कोई नहीं दे सकता. उन्होंने जो जान मारी है और जो चीजें, मतलब हमारे यहाँ बड़ा अच्छा एक माँ बाप का बड़ा बैलेंस रोल रहा है कि हमने अपनी अम्मियों से वो सीखा है जो हमें सीखना चाहिए घरों के लिए, और हमने अपने फादर्स से वो सीखा है जो हमें दुनिया में सर्वाइव करने के लिए. आई थिंक वो बड़ा एक बैलेंस, उनका एक बड़ी बैलेंस तरबियत रही है. तो ये बड़ी अच्छी बात आपने की. मैं इससे ही, और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बेटियों की हम शादियां कर देते हैं बहुत छोटी उम्र में. हमारे खानदान में अभी भी होती है भाई, अगर आपको बहुत ऑकवर्ड लग रही है ये बात सुन के, तो हमारे खानदान में हो जाती है. तो मुझे ऐसा लगता है बच्चों को बात भी करनी नहीं आती थोड़ी सी, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो कहाँ से, इसीलिए एक्सप्रेस कैसे करेंगे, वो बताएंगे कैसे, उस मसले का हल कैसे निकालेंगे. आपको तो, आप तो माँ बाप होके भी उनको इजाजत ही शादी के बाद देते हैं इतनी खुल के बात करने की, तो डू यू थिंक कि वो इतनी जल्दी अपनी हस्बैंड से भी घर बना लेंगी, बॉन्डिंग कर लेंगी और आपसे भी बॉन्डिंग कर लेंगी एट द सेम टाइम. तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये बहुत पहले से शुरू हो जाना चाहिए, कि ये आप अपने घर में एक माहौल ऐसा बनाएं जो अपने बच्चों को, बेटे बेटियों को, मैं तो ये जेंडर की बात ही नहीं करती आजकल, आप जेंडर की बात नहीं है, इंसान है, बच्चा है ना. आई थिंक आपके बच्चों को जितना मुश्किल वक्त आ गया ना, आई फील आपके बच्चों को जो है ना, ओवरऑल आपके बच्चों को बहुत जरूरत है आपकी कम्युनिकेशन की. हमें पता है, चलो लेट्स टॉक अबाउट गर्ल्स ओनली, फीमेल्स हमारा ना स्पार्क डल कर देते हैं, कॉल इट सोसाइटी या कल्चर, आई डोंट नो, बट स्पार्क जो है, मुझे हमेशा से डर लगता था कि क्योंकि आई यूज्ड टू बी वेरी ओवर एक्सप्रेसिव एंड वेरी जॉली, और मैं हंसती भी थी और जोर जोर से हंसना और खेल रही हूँ, और मतलब बहुत ज्यादा मैं ओपन होती थी हमेशा. तो मुझे डर ये लगता था अंदर ही अंदर, पता नहीं मैंने कभी किसी से बात की है या नहीं है, शायद अम्मी को पता होगा, डर लगता था कि कोई भी मुझे ऐसे ना करे कि मेरा स्पार्क जो है वो डल कर दे, डिम कर दे, कि नहीं ऐसे नहीं बैठो, ऐसे नहीं हंसो, ये नहीं करो, वो नहीं करो. मेरी आइडेंटिटी मेरे में रहनी चाहिए, एज लॉन्ग एज आई एम नॉट मिसबिहेविंग या कोई इल मैनर्ड हरकत नहीं कर रही, तो प्लीज लेट मी बी मी.
मैं बच्चों के लिए आज जैसे मेरे बहन भाइयों के भी बच्चे हैं तो मैं कहती हूँ करने दो, ठीक है मेरी पेशेंस थोड़ी खराब है, मुझे गुस्सा भी चढ़ जाता है, कोई उल्टी हरकत हो रही हो तो उस तरह का मेरा है थोड़ा सा टॉलरेंस लेवल इतना अच्छा नहीं है, मगर मुझे होता है कि किसी की आइडेंटिटी है तो वो उसकी इंडिविजुअलिटी रहने दो, उसको चेंज मत करो। आई फील सो गुड जन्नत आपसे बात करके, सच्ची मैं बताऊं क्योंकि मैंने तुम्हें बिल्कुल बड़ा होते देखा है एंड आई नो, और इतना अच्छा, और आई न्यू के यू कम फ्रॉम लाइक योर माइंडसेट इज वेरी ग्रोथ माइंडसेट, यू बहुत एक अच्छा एक ग्रोथ माइंडसेट होता है, आपका फिक्स माइंडसेट नहीं है, ग्रोथ माइंडसेट है, यू आर विलिंग टू बी वल्नरेबल एंड यू आर विलिंग टू लर्न एंड विलिंग टू ग्रो। आई फील दैट इज वेरी गुड, और जिस तरीके की बातें कर रही हो यू वेरी वेरी वेल लर्नड पर्सन, आई एम वेरी हैप्पी। Oh God! I just got to know about this. No, the thing is, unfortunately, हमारे अपने इज्जत की बच्चियों को देख लो यार, इतना इतना उनको बेचारे को टाइम नहीं मिल पाता। मिलता नहीं, ये तो है। You know, some कुछ यार हम लोग में इतना करेज ही नहीं है, हम लोग अम्मियों की बेटियां ऐसे बनी होती हैं, अब्बू को एक्सप्रेस भी करना है ना, इवन इफ आई एम ओवरवेल्म्ड विद लव आई वांट टू हग माय फादर, I hesitate and think about a trillion times in my mind. हिम्मत नहीं इकट्ठी होती, I get teary eyes and I get back to my room. और जब मेरा आईयों के साथ ही हाँ मेरा वेरी हमारा यही था कि अब्बा के साथ जो वो था ना, मैं आज ही कर रही थी कि वो दिल वाले दुल्हनिया फिल्म में देख रही थी, तो जैसी टॉक्स वो अपने अब्बा के साथ करती है ना के एंड में अब्बा ही बोलते हैं कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, लाइक मैंने अपने अब्बा से ऐसी हार्ट टू हार्ट की है तो, और आज भी मुझे अच्छी तरह याद है वो कोई मुझे मेरे अब्बा आपको पता है इश्क जरा और से फरमाते हैं तो वो किसी इसी मुद्दे पे बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बड़ा ही प्यारी बात बोली थी कि उन्होंने कहा था कि तुम दिल खोल के इश्क करो और दिल खोल के प्यार करो, देखना सब ठीक हो जाएगा, यूनिवर्स में प्यार भेजो, इस तरह की बातें हम करते थे। तो आई फील कि मेरे अंदर वो जो ओपननेस और वो जो फीलिंग्स का इजहार आया ना वो वहां से आया। अच्छा मैं देखती हूँ, मैं आप लोग को भी देखती थी, शेर सुना रही होती थी अंकल को और इस तरह की बातें, मतलब मैं तो अब्बू को नहीं जाके बोल सकती अब्बू जी हग करनी है, प्यार आ रहा है या कुछ भी, ज्यादा ये कुछ चाहिए, अभी भी मुझे उनपे प्यार आ रहा होता है मैं उनके कमरे में जाके फजूल में बैठ जाती हूँ, इवन ही इज लाइक आज क्यों आके बैठ गई है, कभी तो आती नहीं है, आज कहाँ से आ गई है, मैं कह नहीं सकती, अब्बू को नहीं कह सकती। हालांकि बहन भाई कह रहे होते हैं कि तुम अब्बू से नहीं इतना झकती, हम लोग की तो अब्बू से बहुत जाती है, और तुम पता नहीं क्या अब्बू के सामने हंसी मजाक भी कर लेती हो और सारी बातें भी कर लेती हो, लेकिन मैं अब्बू से वन ऑन वन आई कांट, अब्बू के साथ ड्राइव पे भी जा रही हूँ मैं, ऐसे हाथ ऐसे हो रहे होते हैं अब्बू के साथ जा रही हूँ, आगे बैठ के अब्बू के साथ जा रही हूँ, क्यों अब्बू नहीं क्या हो रहा है, अंकल अब्बू बहुत स्वीट हैं, कभी कुछ नहीं बोला उन्होंने, मगर उनके साथ कभी कॉन्वर्सेशन हुई नहीं, अब जानते वो सब है, उनको पता है कितना बड़ा आइटम पीस है उनका बच्चा, अब्बू को उनके सामने अब्बू जी आई लव यू Oh, that makes me miss my father. Oh my God, I'm missing them so much. But thank you so much. और हमने thank you so much जन्नत, आपका इतना time मैंने ले लिया, इतना वक्त लिया, आपका हसीन चेहरा और आपके हसीन मुस्कुराहट में दिल में बहुत candles जलाती हैं और मुझे बहुत मजा आता है बातें करने का. I am enjoying specially अपने घर की बच्चियों को ऐसे देख के दे आर रीचिंग समवेयर, आई फील वेरी वेरी गुड, आई फील वेरी हैप्पी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई एम जनरली वन ऑफ दोज पीपल हु मैं अपनी मम्मी को कहती हूँ कि मुझे अपने घर की बच्चियों को किसी जगह पे देखना है, मैं चाहती हूँ क्योंकि जितनी दुनिया मैं देख चुकी हूँ ना, मैं देखती हूँ, मैं बाहर जाती हूँ, मैं घूमती हूँ, मेरा दिल करता है मैं हमारे घर की बच्चियां भी वो चीजें एक्सप्लोर करें जो मैं बच्चों को देख रही हूँ, वो पढ़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस है और घूमने फिरने जाते हैं, आई लाइक दैट एक्सपोजर हो. हाँ, और मैं अपने घर की बच्चियों के लिए भी यही प्रे करती हूँ कि आप लोग सब उन अच्छी मेमोरीज बनाए दुनिया में हर जगह बनाए, प्लीज अल्लाह में ये कोरोना को दफा कर दे ताकि हमारी बच्ची बाहर जा सके.
तो अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच जनन, मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, सीरियसली बहुत मजा आया, हां बहुत आया, रिचार्ज हो गया, रिचार्ज हो गया कसम से, मैंने तो यानी तो हमें देखते रहिए, इसी तरह सुनते रहिए, हम आपके तरफ आओ बातें करने के एपिसोड्स लाते रहेंगे, क्योंकि क्वारंटीन है, अलमिया क्वारंटीन चला जाए लेकिन मैं आओ बातें करें बंद नहीं करूंगी, आप बेफिक्र रहे, थर्सडे के थर्सडे ले आएंगे, और सब्सक्राइब करना मत भूलें प्लीज, मेरे व्यूवर्स को बोल दें कि सब्सक्राइब करना, मुझे सिद्रा को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे भी कर लें, हाँ प्लीज इनको भी कर ले, और अगर आपके पास आपको मेकअप सीखना है तो मैं आपको बोलूंगी प्लीज जन्नत से कांटेक्ट करें, मैं उनका इंस्टाग्राम हैंडल मैं इधर लगा दूंगी ताकि आप उनको इजीली कांटेक्ट कर सकें, और थैंक यू जन्नत वंस अगेन, एनी टाइम।